कुछ गलत देख के या सुन के गुस्सा आ जाना सामान्य सी बात है। यहाँ तक कि धैर्य की मूर्ति भगवान श्री राम को भी गुस्सा आ जाता था और गीता में क्रोध का विरोध करने वाले श्री कृष्ण को भी। जब सीता माता को लाने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करना था तो भगवान श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना करी कि वो अपनी लहरों को शांत कर ले। जब 3 दिन तक समुद्र देव ने उनकी बात नहीं सुनी फिर श्री राम गुस्से में आए, जिसको देख समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भीष्म के आगे नरम पड़ता देख भगवान श्री कृष्ण को इतना गुस्सा चढ़ा कि शस्त्र ना उठाने के लिए वचनबद्ध होने के बावजूद वो रथ का पहिया लेके दहाड़ते हुए भीष्म को मारने दौड़े। खैर, रामकृष्ण तो भगवान है, आप प्रधानमंत्री को भी कई बारी सदन के सत्र में हल्के गुस्से में देख सकते हैं, और इतनी दूर भी क्यों जाना, हमारे माता पिता ही कितनी बार हमें गुस्सा कर देते हैं। एक चीज जो सृष्टि के पालक, देश के चालक और हमारे अभिभावक समझते हैं वो ये कि आक्रोश की अभिव्यक्ति मर्यादा में रह के करनी चाहिए, उसमें गर्जना होनी चाहिए, घटियापन नहीं, उसमें बल का प्रदर्शन होना चाहिए, भद्देपन का नहीं। तो अगर ये सब गुस्सा बिना माँ बहन की गाली दिए कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।